लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इन दिनों एकता कपूर कुछ सोशल मीडिया बुलियों द्वारा अपमानजनक और निराशाजनक टिप्पणियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में आज एकता ने इस मुद्दे पर शोभा डे से बात करते हुए कहा कि आखिरकार निर्माता एकता कपूर ने अल्क बालाजी की दो वेब श्रृंखला के बढ़ते विवाद को देखते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। एकता कपूर ने गुलपनाग, नंदिता दास, मालिनी अग्रवाल और गुरदीप पंज के साथ द बिग बहस विद शोभा डे में एक वेबिनार में असली रिश्ते पर चर्चा की। एकता कपूर ने इस विवाद के बारे में कहा, इस श्रृंखला में यौन सामग्री है, मेरी टीम ने गलती की, मुझसे भी गलती हुई कि मैंने खुद एपिसोड नहीं देखा, जहां एक सेना अधिकारी की पत्नी जो एक काल्पनिक चरित्र है का किसी और के साथ संबंध है। जब उसका पति बाहर जाता है तो वे अपने प्रेमी को बुलाती है और जो भी होता है, अगर मैंने उस एपिसोड को देखा होता तो मैं उस सीन को जानबूझकर काट देती। हमें इस दृश्य के बारे में पता चला और हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हमने उस सामग्री को हटा दिया है और मैं सेना के अधिकारियों की पत्नियों से भी माफी मांगूंगी, लेकिन इस विवाद के साथ मैं साइबर बदमाशी से अधिक चिढ़ गई हूँ। जब शोभा डे ने सोशल मीडिया के हाल के खतरे और गुस्से पर उनसे सवाल किया तो एकता ने कहा, एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में हमें भारतीय सेना के लिए गहरा सम्मान है, हमारी सुरक्षा में उनका योगदान बहुत बड़ा है। हमने पहले ही उस दृश्य को हटा दिया है जिसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमारी तरफ से कार्यवाही की गई है, लेकिन इसके बावजूद धमकाने और बलात्कार की धमकी सराहनीय नहीं है।